नमस्कार मित्रों, सौरभ की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। कक्षा छवी विषय विज्ञान अध्याय 4 2002 इसके आज अंतिम चरण में हम धातुओं और अधातुओं के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला बिंदु बता है धातुओं के उपयोग। हम सब जानते हैं धातुओं के मुख्य 6 उपयोग होते हैं। पहला उपयोग धातुओं का उपयोग भोजन बनाने के बर्तनों में किया जाता है। घर में जो कॉपर के, तांबे के, स्टील के, लोहे के सभी बर्तन होते हैं वो सब धातुओं के बने होते हैं। तो धातुओं का उपयोग भोजन बनाने के बर्तनों में किया जाता है। दूसरा बिजली के उपकरण विद्युत वाद के रूप में फ्रीज आदि में तांबे कॉपर के तारों का उपयोग करते हैं। तो बिजली के जितने भी उपकरण होते हैं विद्युत वाह विद्युत का प्रवाह करने में या फ्रिज आदि के तांबे का तार है तो तांबा भी एक प्रकार का, कॉपर भी एक प्रकार का धातु होता है। बचाव हेतु एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम एपी
जाना जाता है। इस प्रकार धातुओं के हम मुख्य रूप से छह उपयोग देखते हैं। पहला उपयोग होता है धातुओं का उपयोग भोजन बनाने के बर्तनों में किया जाता है। दूसरा विद्युत के उपकरणों में और तीसरा धूप और वर्षा से बचाव के लिए चदरों में और सोने चांदी का आभूषण में तथा HG का थर्मामीटर में और सोडियम के उत्पाद जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट धातु सोडा और सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा आदि में का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार यह धातु के भी उपयोग होते हैं, तो देखिए यह धातु के चार उपयोग है। यह धातु के उपयोग पहला है गंधक का उपयोग, इसको हम सल्फर बोलते हैं। गंधक का उपयोग अम्ल औषधियां में बारूद बनाने में किया जाता है। लाल फास्फोरस का उपयोग दिया सलाई अर्थात माचिस पटाखे और जंतुनाशकों में किया जाता है। ग्रेफाइट का उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने में करते हैं। पेंसिलों में शीशे का उपयोग ग्रेफाइट रूप में करते हैं। इस प्रकार यह धातु के भी जिनके चार उपयोग होते हैं। पहला है गंधक का उपयोग अम्ल औषधि और बारूद बनाने में किया जाता है। लाल फास्फोरस का उपयोग दिया सलाई जंतुनाशक और पटाखों में। ग्रेफाइट का उपयोग इलेक्ट्रोड बनाने में। पेंसिलों में शीशे के विकल्प के रूप में ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार आज का ग्रेफाइट है। धातुओं के उपयोग लिखिए। धातुओं के कोई उपयोग लिखिए। हमने कौन से यह धातु का उपयोग करते हैं।
का नाम ये धातु धातु के उपयोग नोट्स में करना और इन प्रश्नों को समझते हुए उत्तर पुस्तिका में करना आज का इतना ही। धन्यवाद।